आज की इस लेक्चर वीडियो में जो थ्योरम हम करेंगे वो इस प्रकार से है। आर सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी इज अगेन राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने आपको लेक्चर नंबर वन में इस प्रकार से समझा था। नंबर फाइव, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू जेड, ये स्टेटमेंट हमारा है। ओके, तो हम इसको आज प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफिंग में हम क्या लिखेंगे ये देखिएगा। गिवेन एन इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, गिवन हमें है दिस। अब टू सो दैट, क्या सो करना है, मींस जो ये एन सब ग्रुप है हमें गिवन, इसको हमें प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। कब? इफ एंड ओनली प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, राइट कोसेट। ओके, ये आपको समझना, इफ एंड ओनली का मींस होता है बोथ साइड केसेस प्रूव करना। तो फर्स्ट केस में हम ये लेकर चलेगी कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप और प्रूव करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। सेकंड केस पर हम लेकर चलेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट और प्रूव करेंगे एन इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो केस नंबर वन हम लिखते हैं। ओके, इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, लेट एन इज नॉर्मल सब ग्रुप टू सो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी। ओके, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, ये जो राइट कोसेट हमें टू राइट कोसेट लेना है, ये हमें कंसीडर कर लेने चाहिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, नाउ लेट एन एक्स एंड एन वाई फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग टू जी आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी। ओके, अब हमें देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एन इन जी ये लेकर चलना है और उनको इक्वल टू किसी एक राइट कोसेट के इक्वल दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव, क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स। अब हमने राइट कोसेट कौन से लिए है, एन एक्स एन वाई, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट लिखो, एन एक्स एन वाई। ओके, अब ये देखना है हमको कि क्या इनका प्रोडक्ट एक राइट कोसेट बनता है, क्योंकि हमें क्या लाना है, सिंगल राइट कोसेट लाना है। तो देखते हैं, इज इक्वल टू, देखिएगा, एन ब्रैकेट एक्स एन वाई, ऐसा लिख सकता हूं इसको, राइट। अब एन ब्रैकेट, इसको देखो मैं चेंज करके लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा एन इज नॉर्मल सब ग्रुप और हमने ये पॉइंट लर्न किया है कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन। ओके, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, एन एक्स वाई, ये क्या बना, एन एन एक्स वाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लो। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू क्या आ चुका हमारा, एन एन एक्स वाई, इस पॉइंट को समझिएगा। अब देखो, हमने गिवन क्या है, एन इज सब ग्रुप और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर एन सब ग्रुप हो तो हम इंप्लाइज कर सकते हैं एन एन इज इक्वल टू एन, ये स्टेटमेंट में यहां पर लिख देता हूं जो थ्योरम मैंने अप्लाई की। इस थ्योरम का हमने यहां पर यूज किया क्योंकि एन हमारा क्या है, सब ग्रुप है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन एन इक्वल टू एन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एन एक्स वाई बना,
ओके। अब एक्स वाई आप कह सकते हो ना एक्स वाई जी के अंदर बिलोंग थे, तो आप इंप्लाइज कर सकते हो एक्स दोनों का प्रोडक्ट भी जी के अंदर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के थ्रू, राइट। सो एन एक्स वाई, एक्स वाई एक न्यू एलिमेंट हुआ जी का, ओके okay? तो ये क्या बना, एक राइट कोसेट बना, तो एक इक्वल टू किसके आ गया, राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, ओके। पॉइंट क्लियर हुआ, तो हमने ये प्रूव कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, फर्स्ट केस हमारा प्रूफ हो गया, ओके। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में हमें क्या लेकर चलना है, सेकंड केस में हमें प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स इज इक्वल टू राइट कोसेट और प्रूफ करना है एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, ये हम लिख देते हैं सेकंड केस में। ऑफ एन इन जी इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी टू सो दैट एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। अब देखो आपको इस बात को प्रूफ करने के लिए, देखो हमने आपको लेक्चर नंबर वन में फाइव कंडीशन बताई है कि भाई आप एन एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्रूफ कर दीजिए तब भी आप नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हो एन को, एक्स एन एक्स इनवर्स सबसेट इक्वल टू एन प्रूफ कर दीजिए तब भी आप एन को नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हो, एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन प्रूफ कर दीजिए तब भी आप इसको नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हो, और एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन ये प्रूफ कर लीजिए तब भी आप एन नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हो, ये कंडीशन हमें लेकर चल ही रही है। तो इन चारों में से किसी को भी आप प्रूफ कर सकते हो, राइट, जो भी आपको सूट करता है उसको फोकस कर लीजिए और वही प्रूफ करने का प्रयास कीजिए, लेकिन मैं इस थ्योरम में ये प्रूफिंग करूंगा, ऐसा प्रूफिंग करूंगा और इसके बेस पर कहूंगा कि एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स लेने हैं, तो सबसे पहले टू राइट कोसेट्स बनाते हैं, नाउ लेट एक्स बिलोंग टू जी इंप्लाइज एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी, यहां तक कोई डाउट, ओके। अगर एक्स भी जी के अंदर है, एक्स का इनवर्स भी जी के अंदर है, ओके, तो हम टू राइट कोसेट्स बना सकते हैं, सिंस एन इज सब ग्रुप, ये हमें पहले ही गिवन है ऑफ जी, तो हम इंप्लाइज कर सकते हैं एन एक्स एंड एन एक्स इनवर्स फॉर एवरी एक्स एक्स इनवर्स बिलोंग टू जी के लिए, राइट, आर टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, कोई डाउट। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स पर, राइट, समझ में आया, ओके, क्योंकि हमें तो इस प्रॉपर्टी को यूज में लाना है, ये हमें गिवन है, तो नाउ बाय गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, मीन्स ये हुआ एन एक्स एन एक्स इनवर्स, इसको इक्वल टू लिखिए राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, या आप ये लिख सकते हो इज राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसको नंबर वन मान लेते हैं क्योंकि हम इसको यूज करेंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, ओके, सिंस E belong to N, ये belong करेगा कि नहीं, then by equation one के through मैं implies कर सकता हूं क्या, E
एक्स ई एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन एक्स एन एक्स इनवर्स, ये बिलोंग कर सकते हो। अच्छा ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा ना कि ई क्या है, आइडेंटिटी, जो एन सब ग्रुप था इसलिए ई बिलोंग टू एन हमने लिया, राइट। तो ये इंप्लाइज कर सकते हो। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा, देखो क्या मिलता है हमको। ई एक्स का मतलब एक्स हुआ, ई एक्स इनवर्स का मतलब ई एक्स इनवर्स हुआ, राइट, बिलोंग टू एन एक्स एन एक्स इनवर्स। ये एक्स एक्स इनवर्स, देखो हमने ये लिया था ना, एक्स और एक्स इनवर्स दोनों ही जी के अंदर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग हम एक्स एक्स इनवर्स दोनों जी के अंदर बिलोंग करेंगे, और एक्स एक्स इनवर्स क्या होगा, ई ई जो कि जी के अंदर है, ओके। तो ये ई हो जाएगा, ई बिलोंग टू एन एक्स एन एक्स इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट हुआ, ओके। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एन के अंदर भी ई है और एन एक्स एन एक्स इनवर्स के अंदर भी ई है, ओके, और ये एक राइट कोसेट है। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में कहा इस चीज को कि ये क्या है, एक राइट कोसेट है, और एन अपने आप में एक राइट कोसेट होता है, राइट। तो क्या मैं यहां से दिस एंड दिस से इंप्लाइज कर सकता हूं, हैंस इंप्लाइज ई बिलोंग टू एन इंटरसेक्शन एन एक्स एन एक्स इनवर्स। मीन्स ये क्या हुआ कि एन इंटरसेक्शन एन एक्स इनवर्स नॉन एम्प्टी, ये लिख लीजिए या ऐसे साइन लगा लीजिए, ओके। अब यहां से मैं इंप्लाइज कर रहा हूं, ये पॉइंट को समझना है बेटे, एन इंटरसेक्शन और ये पूरा का पूरा भरा क्या है, राइट कोसेट है, और एन भी अपने आप में राइट कोसेट होता है, क्लियर। तो मैं ये लैंग्वेज लिख दूंगा, तो यहां से क्या लिख रहा हूं, एन इज इक्वल टू एन एक्स इनवर्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मैंने क्यों लिखा इसको समझना है बेटा, यहां पर ये लिख रहा हूं, एन इटसेल्फ इज अ राइट कोसेट ऑफ एन इन जी, एंड ये जो प्रॉपर्टी हमने लगाई ये यहां पर लिख देता हूं, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अब देखो ये डिसजॉइंट तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ई एलिमेंट कॉमन था इन दोनों के अंदर, एन के और एन एक्स इनवर्स के, ओके, इस वजह से ये इक्वल होगी, ओके। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, इसको पॉइंट को समझना है बेटा, क्लियर। देखो हम अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने प्रूव किया यहां पर, ओके, सेकंड इक्वेशन का कैसे यूज करेंगे, फोर एन बिलोंग टू कैपिटल एन, इंप्लाइज कर सकता हो कि नहीं। देखो यहां पर ये राइट कोसेट है, तो एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन एक्स इनवर्स लिख सकते हो ऐसा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये वैल्यू एन के इक्वल है, तो यहां से इंप्लाइज कर दीजिए, यहां पर फोर एवरी एक्स बिलोंग टू जी भी लिख सकते हो आप, ओके। अब देखिए एन ब्रैकेट एक्स एन एक्स इनवर्स, ये तो तीनों ब्रैकेट में एक साथ लिया, ये एन अलग रखा, और बिलोंग टू ये वैल्यू इज इक्वल टू एन के है, तो एन लिखेंगे यहां पर, लिख देंगे फ्रॉम सेकंड, ओके। अब आपको दिमाग में आना चाहिए मुझे इस एन को यहां से हटाना है, तो बोथ साइड एन इनवर्स से मल्टीपल किया जा सकता है, तो मैं लिख सकता हूं एन इनवर्स एन ब्रैकेट एक्स एन एक्स इनवर्स बिलोंग टू एन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि देखो एन एन के अंदर बिलोंग कर रहा है, एन एन के अंदर बिलोंग करता है, तो भैया एन का इनवर्स भी एन के अंदर ही बिलोंग करेगा, क्योंकि एन सब ग्रुप है।
अब यहां से ये e बना ब्रैकेट x n x इनवर्स बिलोंग टू, अब इसको मैं n लिख रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं n, क्यों लिख रहा हूं, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, इफ h बिलोंग टू h सब ग्रुप इंप्लाइज किया जा सकता है h h इज इक्वल टू h, तो यहां पर देखो n, यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं इज इक्वल टू h h, ये भी होता है, तो यहां पर ये प्रॉपर्टी h के प्लेस पर n इनवर्स, h के प्लेस पर n इनवर्स बिलोंग टू n के प्लेस, h के प्लेस पर n, और ये बिलोंग किया जा सकता है n इनवर्स n इज इक्वल टू n, तो यहां पर मैंने n लिख दिया। ओके अब नेक्स्ट पेज, यहां पर हम e से मल्टीपल कर रहे थे तो x n x इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल n आ गया फॉर एवरी x बिलोंग टू g, क्लियर, एंड n बिलोंग टू n। अब ये तो हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना, ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, x n x इनवर्स बिलोंग टू n इंप्लाइज n इज नॉर्मल सब ग्रुप, राइट, तो ये अप्लाई कर देते हैं, डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं, बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप n इज नॉर्मल सब ग्रुप, हैंस ये हमारी थ्योरम यहां पर प्रूफ हो जाती है। ओके तो मैं समझता हूं आपको हमारा ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो इस लेक्चर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं नई लेक्चर वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।